हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, मैं बैंगलोर में हूँ और जब मैं बैंगलोर में आ ही गई हूँ अपने घर पे, तो क्यों ना मैं एक व्लॉग बनाऊँ जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग प्लेस हो रहा है आजकल, जो मैंने रील्स में 2-3 बार देख लिया है। बैंगलोर में एशियाज बिगेस्ट पब और कैफ़े ओपन हुआ है, जिसका नाम है इया। पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा क्यों है, जिसका स्पेलिंग OIA है बट इसको इया बोलते हैं। ये ग्रीस में एक प्लेस है, उससे इंस्पायर होके सेम टू सेम वैसा कॉन्सेप्ट दिया गया है इस पब में और कैफ़े में। तो आज हम जाएंगे और चेकआउट करेंगे कि एक्चुअल में ये प्लेस में क्या है। वैसे बहुत सारी बातें सुनी है, बहुत सारी तारीफ़ें सुनी है इस प्लेस के बारे में, और बट ऑब्वियसली मैंने आपको मेंशन किया कि रील में मैंने 2-3 बार देख लिया है। तो हम निकलते हैं, मेरा मेकअप हो गया है, अभी मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी, मेरी सिस्टर्स ऑलरेडी रेडी हो रही हैं, तो जल्दी से फटाफट निकलते हैं क्योंकि बैंगलोर का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। कैब बुक करवाना है, जाना है, तो टाइम तो लगने वाला है। आज बहुत ही मस्ती होने वाली है, आप देखते रहिएगा व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हाय गाइस, अभी हम कैब में बैठ गए हैं हमारी, और यहाँ से हमें 1 घंटे लगेगी वहाँ जाने में, क्योंकि बैंगलोर है और आज फ्राइडे है, और फ्राइडे सैटरडे ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत क्राउड होता है बैंगलोर में। संडे इतना नहीं होता है, बट यू नो इट्स बैंगलोर ट्रैफिक, और कैब है तो कैब मिलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पहली चीज़ ये। जैसा कि मैं आपको इससे पहले भी बहुत सारे ब्लॉग में बता चुकी हूँ बैंगलोर के ट्रैफिक के बारे में, कैब के बारे में। सो अभी हमें भैया लेके जा रहे हैं, 1 घंटे लगेंगे, स्टे ट्यून। वहाँ जाके मस्त मस्त व्यूज़ हम आपको देते हैं कैफ़े के बारे में, उस पब के बारे में। अभी हम ऑर्डर करेंगे कॉफ़ी, और मैं आपको कुछ कुछ सैरियोज और व्यूज दिखाती हूँ इस बड़े से कैफे और पब के।
रात में बहुत ज़्यादा थक गए थे तो घर पर आ गए और सो गए। तो अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग हम अभी जा रहे हैं बाहर, हम जा रहे हैं टॉक पे बहुत सारे गेम खेलने के लिए। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। गाइस हम लोग ईया गए थे तो वहाँ का एम्बियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था और फूड रीज़नेबल था, काफ़ी वेराइटी भी थी, पर बहुत ही ज़्यादा फोटोजेनिक प्लेस है। इट्स लाइक इंस्टाग्रामर्स वहाँ जाके इंस्टा पे अपलोड कर सकते हैं, तो एक बार तो जाना बनता है गाइस। तो गाइस एक बार जाकर आओ वहाँ पर, मस्ट विजिट वंस। जो वहाँ पे कॉन्सेप्ट है ग्रीस का वो बहुत ही अच्छा है और जो इंटीरियर अंदर का वेरी वेरी ऑसम। वहाँ पे आपके वीडियोस फोटोज़ बहुत अच्छे आने वाले हैं और खाना भी उनका अच्छा है। और हमने लिकर विकर कुछ टेस्ट नहीं किया बिकॉज हम पीते नहीं हैं। वहाँ पर लिकर्स भी बहुत सारे लोग ट्राई करें। ऑल राउंडर हम रिव्यू देना चाहते हैं 10 में से 8 देना चाहते हैं हम, क्योंकि हमें उसके एम्बियंस और अंदर की जो भी फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे जो स्टाफ से वो भी बहुत ज़्यादा पोलाइट थे। सो या एंड अंदर बहुत, जैसे अगर आप शाम में जा रहे हो तो बहुत कोजी जैसा आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा। यू विल गेट टू सी सनसेट। या सनसेट का बहुत सारी अच्छी फोटोज़ खींचा सकते हैं। माय गॉड, वहाँ पे सनसेट बहुत ही ऑसम था। तो गाइज एक बार तो विज़िट करना बनता है, तो जब भी आप बैंगलोर आए तो जाना मत भूलिएगा। होप सो आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड डू लेट मी नो। या डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग कौन से टॉपिक पे चाहिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय।